जी जी क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? नहीं साता, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और हाँ चिंता भी बहुत हो रही है। जी जी प्लीज आप इतना मत सोचो। देखो पापा जी मम्मी जी आलिक जी सब गए हैं ना रणवीर जी को रिहा कराने, देखना उनकी बेल आज ही हो जाएगी। चलो जी जी अपने कमरे में चलते हैं। मम्मी जी रणवीर वो मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बेल होना मुश्किल है। कर दिया मेरे रणवीर ने? आपने तो मुझसे कहा था ना कि आप रणवीर को वापस लेकर आएंगे। बोलिए ना मम्मी जी, चुप क्यों हैं? बोलिए ना आप। जी, शांत हो जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एक मिनट साधना, बोलिए ना मम्मी जी, कहाँ है मेरे रणवीर? रागिनी, साधना, इसे इसके कमरे में ले जाओ। चलिए जी, छोड़ो मुझे। जी जी। कोशी भी ना कोशी, इस अटैची में तो बच्चों के कपड़े हैं ही नहीं। अरे माँ मुझे अच्छे से याद है कि मैंने किसी अटैची में संभाल कर रखे थे, इसमें देखती हूँ। अरे ये देखो, ये रहे वीरो के कपड़े, मैंने बहुत ही जतन से संजो कर रखे थे। माँ उतरे हुए कपड़े बच्चे के लिए शुभ होते हैं ना? हाँ शुभ तो होते हैं, वो सब तो ठीक है, पर तूने ये कपड़े ढूंढने के चक्कर में सारा फैला के रख दिया बेटा। आज सफाई कब होगी? हो जाएगी माँ, हो जाएगी। माँ अगर यह रागिनी होती तो कितना अच्छा होता ना, मैं उसे फोन करके बुला लेती हूँ। आई नहीं कोशी, रागिनी को फोन करके बुलाने से पहले दामाद जी से पूछ ले। बस 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 थोड़ी मदद करवा दोगे भैया? ले आओ भैया ले आओ, बस यही रख दो, लगिए मुझे दे दो, सब हो गया। ये लो खुश रहो। दामाद जी लगता है सारा आगरा ही खरीद के ले आए। अरे माँ जी अपने पोते के लिए जितना करूँ उतना कम है। वैसे बिल्कुल समय नहीं है अभी बातों में गंवाने के लिए मेरे पास। चलिए कौशल्या जी बीनू के कमरे में सब सजा देते हैं। जी सच कहूँ आज खुशी का ऐसा सैलाब घूम रहा है ना दिल में कि बता नहीं सकता। सुनिए जी अगर इस वक्त रागिनी यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता ना, मैं राजवंश जी के यहाँ फोन करके उसे बुला लूँ। हाँ क्यों नहीं, साधना को भी बुला लीजिए। बीनू का फोन होगा। हेलो, अरे रागिनी बेटा तू, बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी तुझे ही याद कर रहे थे। माँ रागिनी बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या? बताना बेटा। नहीं कुशल जी मुझे दीजिए। रागिनी बेटा क्या बात है, क्या परेशानी हो गई? बाहु
मुझे। चलिए कौशल्या जी, हमें तुरंत राजवंश हाउस पहुंचना है। आइए आइए आइए। क्यों जी, बड़ी धौंस दिखा रहे थे थारे पिताश्री, पैसे की, रुतबे की, ऊंची पहुंच की, ये हो गया एक थरी बेल ना करा सके। क्यों रिटायर्ड हो गई? अरे बोलता क्यों नहीं कुछ? अरे कुछ तो बोलने मुंह से, हवा निकल गई के थारी, हैं? ठंडा पड़ गया के हो गया? बोल। वो ठंडे हैं तो डंडे बरसाने का इरादा है क्या? तो बोलो, थर्ड डिग्री का शौक रखने वाले को हम सीधे सातवीं डिग्री देते हैं। तलाकों के इस पार खड़े होकर रोब जमाना बड़ा आसान होता है, उस पार जाकर देखो, नानी याद आ जाएगी। मेरी मां जी, आप हैं कौन हम दोनों के बीच में बोलने वाले? दाएं बाएं बीच में बोलना पेशा है मेरा, इसकी मैं दाल रोटी घी मक्खन खाता हूं। रणवीर राजवंश का वकील हूं। धनंजय सिंघानिया। साहब जी, बाजी मार ली इन्होंने, दिल्ली के बहुत बड़े नामी वकील हैं और बड़ी हस्ती भी। श्रीमान जी, बड़ा नाम है आपका, सुना है गजब का दिमाग रखते हो जी आप। और इस केस में कहां अपने हाथ डाल दिया, काम कहां ऊंचे नाम पर धप्पा लग जाएगा। आइए मैं आपको सब बताता हूं। अब देखिए, रणवीर राजवंश पे कितनी धाराएं लगी हैं। धारा 307 इंटेंशन टू मर्डर, धारा 82 पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश, धारा 353 ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पर हाथ उठाने की। अब कितनी धाराओं से आप उसको बचाते फिरोगे जी? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम पर कितनी धाराएं लग सकती हैं। पहली धारा, वर्दी का अपमान करने के लिए। दूसरी धारा, जानबूझकर एफआईआर की कॉपी ना देने के लिए। आइंदा धनंजय सिंघानिया के सामने ये धारा वारा गिनना मत, वरना जिस कुर्सी पर बैठकर तुमने ये कानून सीखा है ना, वो खींच लूंगा वर्दी के साथ। आइंदा धनंजय सिंघानिया के सामने ये धारा वारा गिनना मत, वरना जिस कुर्सी पर बैठकर तुमने ये कानून सीखा है ना, वो खींच लूंगा वर्दी के साथ। अब मैं अपने मुवक्किल से मिलने जा रहा हूं। रणवीर, तुम चिंता बिल्कुल मत करो,
मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन लेकिन अपना दिमाग ठंडा रखो। ये पुलिस वाले कुछ भी कहें, रिएक्ट मत करो और उन्हें कोई स्टेटमेंट मत देना। एक पते की बात बताऊं, वक्त बुरा होना तो मुंह बंद रखो, सही वक्त आए ढोल बजाओ। उन्हें इतना कहना कि तुम जो भी कहोगे कोर्ट में कहोगे। Is that clear? What a nice shirt. लेकिन थोड़ी मैली हो गई, घर से नए कपड़े मंगवा लो। And cool down. Cool, cool. Excuse me. Singhania here. Soon, my son. Alik bhai, Alik bhai, आप यहां क्यों आए? रणवीर, तुम ही सब कुछ करते हो हर बार। मैं भी तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना तुम्हारे लिए। I'm sorry, रणवीर, मुझे माफ कर दो। इतना बड़ा बोझ तुमने अपने आप पे ले लिया इसलिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत कहिए। भाई साहब, गणा भरत मिला बोलिया, ये मुलाकात वकील के लिए थी, थारे लिए ना है। चल निकल ले यहां से। स्माइली हाँ, और स्माइल करो। विनीत शर्मा जूनियर, आपका घर आ गया, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत करेंगे, फिर आपके साथ खेलेंगे। और जैसे ही विनु जी, आपने घर पे फोन करके बताया नहीं था कि हमारे, मैंने माँ को फोन किया था तो फिर घर पे ताला। शायद हमारे और हमारे बच्चे के स्वागत के लिए घर पे रहना जरूरी नहीं समझा होगा आपके माँ बाप ने, या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी काम याद आ गया होगा। पता है विनु जी, जब हमारे यहाँ बच्चा पहली बार घर आता है ना, तब उसे टीका लगाया जाता है, उसकी नजर उतारी जाती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, इस घर की तो बात ही निराली है। हाय राम, ये क्या है? देख लिया विनु जी, जानते थे कि हम आ रहे हैं, हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। आप
तो पूरे रास्ते मुझे समझाते आ रहे थे कि माँ जी और बाबू जी अपने पोते के घर आने से इतने खुश हैं, उतने खुश हैं। देख लिया उनकी खुशी, हमारा स्वागत तो छोड़ो पूरा घर भी फैला कर रखा हुआ है। मेरी मम्मी यहाँ होती ना तो पता नहीं क्या कुछ कर बैठती खुशी के मारे। झूठ तो मैं बोलती नहीं, आपने अपने माँ बाप के खातिर मेरी मम्मी को यहाँ से भेज दिया, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला? हुई कोई कदर आपके जज्बात की? बोलो। तुम शायद ठीक कह रही हो मालती, मैं ही माँ बाबूजी के प्यार में अंधा हो गया था। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत गलत किया उन्होंने। इस बार मैं उनकी कोई सफाई नहीं सुनूंगा। तुम चिंता मत करो, अपने बच्चे का स्वागत हम खुद करेंगे। मैं आरती लेकर आता हूं। बेटा चुप हो जा, मत रो। अब रागिनी को आप ही समझाइए कौशल्या जी, इतना तो भरोसा होना चाहिए हम पर कि हम रणवीर को रिहा करवा देंगे। रो रो कर देखे ना क्या हाल बना लिया इसने अपना, कितनी तकलीफ दे रही है अपने आप को, कुछ खा पी नहीं रही है ये। रागिनी संभालो अपने आप को, साधना खाना लेकर आ रही है, कुछ खा लो। शर्मा जी आप ही समझाएं इसे। जी जी मैं बात करता हूं इससे। आप लोग बात कीजिए, हम अभी आते हैं। रागिनी बेटा तू अगर इस तरह कमजोर पड़ गई तो रणवीर जी का क्या होगा? तुझे टूटते देख करके रणवीर जी तो और परेशान हो जाएंगे ना। वसुंधरा जी, इंद्रजीत भाई साहब, उन पर क्या गुजर रही होगी। रागिनी बेटा तुझे उनकी हिम्मत, उनका सहारा बनना होगा आज। रो मत, काश ये सब हुआ ही ना होता। रणवीर जी में तो इतनी अच्छाइयां हैं कि वो हमेशा अपनी खुशी दूसरों के लिए दांव पर लगा देते हैं, चाहे इसके लिए उनको कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। रणवीर जी हमेशा सच के लिए लड़ते हैं बेटा, और सत्य की हमेशा विजय होती है। ईश्वर के घर में देर भले ही है, अंधेर नहीं है, तो फिक्र मत कर, रागिनी सब ठीक हो जाएगा बेटा। और फिर बेटा रणवीर जी तो गुंडे से साधना की इज्जत बचा रहे थे ना, अपना फर्ज निभा रहे थे वो। खाना खा ले बेटा। नहीं बा, मुझे भूख नहीं है। जी जी प्लीज खाना खा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से ही हुआ। इसमें कोई नई बात थोड़ी है, मेरी बच्ची को हमेशा तेरी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।